स्वागत है आपका सिंह अर्जुन के नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर हम बात करें रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स की, तो सभी स्टेट्स इस पर सब्सिडी देती है, लेकिन एक स्टेट ऐसी है जो कि सबसे ज्यादा सब्सिडी दे रही है, वो है गुजरात स्टेट। तकरीबन 40% सब्सिडी आपको मिलती है, जबकि अदर स्टेट जो अभी तक मेरी नॉलेज में 30% के आसपास सब्सिडी मिलती है। तो पूरी जानकारी के लिए और क्या क्या है इसमें बेनिफिट रहते हैं, क्या ओवरऑल खर्चा आता है इन सेटअप्स का, और क्या क्या बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट ये दे रही है, ये सब जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से। चलिए वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। दोस्तों, अगर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स पर सब्सिडी की बात करें, तो यहाँ गुजरात गवर्नमेंट सबसे ज्यादा 40% सब्सिडी दे रही है। बाकी स्टेट्स जो मेरी नॉलेज में अभी तक 30% के आसपास सब्सिडी मिल रही है। यहाँ आपको 3 किलोवाट तक 40% की सब्सिडी है, 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक 20% की सब्सिडी रहेगी, या इसके ऊपर जो भी रहेगा वहां 20% की ही सब्सिडी रहेगी। गुजरात गवर्नमेंट का एक प्लान है कि 31 मार्च 2020 तक तकरीबन 2 लाख नए रूफटॉप सोलर पैनल्स प्रोजेक्ट्स को फाइनल करना है, जिससे कि उनकी ऑलरेडी जो पोजीशन है, अभी भी वो ऑलरेडी नंबर 1 पोजीशन पर है इस रूफटॉप सोलर में, तो वो चाहते हैं आगे भी उनकी ये पोजीशन बरकरार रहे। गुजरात की एजेंसी गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको गेडा कहा जाता है, वो सारा इस सिस्टम को देख रही है। इनकी अपनी वेबसाइट है, ऑनलाइन पोर्टल है गेडा का, वहां पर जाके आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रहेगी पेपर वर्क की रिगार्डिंग सब्सिडी। जो भी कंपनी आप सिलेक्ट करोगे, और कंपनी भी आप ऑनलाइन सिस्टम पर ही सिलेक्ट कर सकते हो, और पूरी लिस्ट दी गई है कंपनीज की, उनका पूरा डाटा दिया गया, जो आपको ठीक लगती है वो आप कंपनी सिलेक्ट कीजिए, वही आपका सारी केयरटेक करेगी, इंस्टॉलेशन से लेकर पेपर वर्क जो भी रहेगा, इवन सब्सिडी आपके अकाउंट आने तक वही कंपनी रिस्पॉन्सिबल रहेगी। इसके अलावा जो भी कंपनी आप पोर्टल पर जाकर सिलेक्ट करोगे, वो आपके पैनल्स या आपके सोलर सिस्टम की अगले 5 साल तक मेंटेनेंस उनके स्कोप में ही रहेगी। दोस्तों, गुजरात गवर्नमेंट का एम है कि वो तकरीबन 1800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं अंडर सूर्य गुजरात इनिशिएटिव। आपके साथ 25 साल का एग्रीमेंट किया जाएगा, जिसमें आपको 2 रुपए 25 यानी कि 2.25 रुपए यूनिट्स के हिसाब से बिजली खरीदी जाएगी। गुजरात गवर्नमेंट अभी तक इंडिया में टॉप पोजीशन पर है, तकरीबन 326 मेगावाट ऑफ कैपेसिटी सोलर रूफटॉप से पैदा की जा चुकी है अब तक। इनकी वेबसाइट पर कॉस्ट भी दी गई है इन पैनल्स की, अगर आप किस किस पावर का लगवाते हो, पर किलोवाट के हिसाब से रेट दिया गया है। अगर आप 1 से 1 से लेकर 1.5 किलोवाट तक का सेटअप लगवाते हो, तो वहां पर आपको 46,827 ये पर किलोवाट का रेट है, उसके हिसाब से आगे मल्टीप्लाई होता रहेगा, आपको इसका खर्चा आएगा 1.5 to 2.5 किलोवाट यानी कि 1.5 से लेकर 2.5 किलोवाट तक का आपका 46,555 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से खर्चा आएगा। 2.5 से लेकर 3.5 किलोवाट तक 46,337 पर किलोवाट के हिसाब से खर्चा आएगा। वहीं लास्ट में 3.5 से 4.5 किलोवाट या उसके ऊपर 45,738 पर किलोवाट के हिसाब से आपका खर्चा आएगा। दोस्तों, एप्लीकेशन बिल्कुल जो कंपनी है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप इनके पोर्टल पर जाकर जो भी कंपनीज है इनको आप सिलेक्ट कर सकते हो, वही आपके सब्सिडी का सारा प्रोसेस करेगी, 5 साल की मेंटेनेंस उनके पास रहेगी। इसके अलावा कोई बड़ा सेटअप है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, हाउसिंग सोसाइटी है, वो 500 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर बेनिफिट लगवा सकती है। और इनको जिनके कॉमन यूज होते हैं, लाइक लिफ्ट के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, स्विमिंग पूल, स्ट्रीट लाइट्स, गार्डनिंग के लिए, वाटर वर्क्स के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो अपने इस सेटअप से पूरा कर सकते हैं, जिससे उनका ओवरऑल लॉन्ग रन में ये काफी बेनिफिट देता है। दोस्तों, थम्स अप है गुजरात जैसे स्टेट्स के लिए जो रूफटॉप सोलर पर इतना काम कर रही है, सीरियस होकर काम कर रही है। मैं देख रहा हूँ यहाँ सिर्फ 3-4 स्टेट्स को छोड़कर ज्यादा स्टेट्स इस पर सीरियस नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, सभी स्टेट्स को मिलकर काम करना होगा, तभी इन चीजों का बेनिफिट आम लोगों तक, एनवायरमेंट तक पहुंचेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।